आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। जो जर्नी, जो यात्रा रामलीला मैदान और जंतर मंतर की जनसभा से शुरू हुई थी, वो यात्रा आज राज्यसभा तक आ पहुंची है। मेरे नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस कार्य क्षेत्र में चलना सिखाया, आज उन्होंने इस युवा को, इस नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। 33 साल की कुल उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत, सर्वोच्च सदन, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट में बैठने का मौका दिया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपने नेता, अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट किया। गुरु महाराज के दरबार में आज सुबह मैंने अपनी मदर के साथ जाकर, परिवार के साथ जाकर अरदास करी और यही प्रार्थना करी कि परमात्मा गुरु महाराज इतनी समर्थ बख्शें, इतनी शक्ति बख्शें, इतना बल बख्शें कि ईमानदारी की राह पे चल के, सही रास्ते पे चल के, देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में मैं अपना योगदान निभा सकूं। और जो जिम्मेदारी, जो उम्मीदें मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी को, मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी को, पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को मुझसे है, मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतर सकूं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आम आदमी पार्टी में ही ये हो सकता है कि साधारण घरों के बच्चे, एवरेज मिडिल क्लास हाउसहोल्ड, मध्यम वर्ग से, साधारण से परिवार से आने वाले पढ़े लिखे नौजवान लोगों को राज्यसभा में बैठने की, राज्यसभा सांसद बन के जिम्मेदारी अदा करने का मौका मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में ही संभव है कि हम जैसे साधारण लोग, जिनके पीछे कोई मनी पावर, मसल पावर, मीडिया पावर नहीं है, लेकिन ऐसे साधारण लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। और एक पार्लियामेंट्री करियर की आज एक शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, आज मैंने ओथ ली है राज्यसभा सांसद के तौर पर। तो बस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अपना मेहर वाला हाथ हमेशा अपने इस बच्चे पे बनाए रखें और खूब सेवा का काम करने का मौका दें और मैं सभी की उम्मीदों पे खरा उतरूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। पंजाब, श्री राघव चंद्र चड्ढा। Having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Inqilab Zindabad. Welcome to Rajya Sabha. Take a copy of the rules book, please go through it. And also there is a cover and check that reference about parliamentary proceedings, precedents, rules that will be added to you. Thank you. All the best.